अनुमोद्यो जगत गामी करम निंदे हे दादा शक्ति आपो तो अमे सौ पाप ने निंदिए जीवात्मा वा गोड़े संयोग तो निकड़े सार अनुभव नो सकल संसार छे असार जगत नो मार भवरण नो जगत निंदा करे जेनी के कर्मो मंथी उखाड़ो मनो व्यापार निशुद्धि हृदय मा दाद उतारो हे दादा शक्ति आपो तो अमे सौ पाप ने निंदिए जीवात्मा देहदारी नो अहम दुबायना मुझ थी मनन वर्तन ने वाणी थी रहूं सम्यग दिलो सुझ थी रिलेटिव कोई पण धर में न कोई ने दूभवूं कोई दी कोई नो धर्म अवलंबन खसेड़ी पाड़ू ना भोय थी हे दादा शक्ति आपो तो अमे सौ पाप ने निंदिए कोई साधु या साध्वी हो के उपदेशक या आचार्य हूँ तेनी गाढ़ नींदामा न खर चूं क्षण या समयार्ध जे लोके पूजनी अथया अविनय ना करूं तेनो कदी अपराध मानावूं थर मेणो करूं क्राव्यूं अनुमोद्यूं जगत गामी करम नींदे हे दादा शक्ति आपो तो अमे सौ पाप ने निंदिए आत्मा कोई पण प्रत्ये तिरस्कारी अभाव न हो मही पण द्वेष या तो डंक हृदय ना भाव माये न हो न भाषा तंतिरी बोलूं ने वाणी काढ़ू नाही कठो शब्द ना वेळ फूंद ठोर हे दादा शक्ति आपो तो अमे सौ पाप ने निंदिए जो सामे कोई आवो करे त्या बोलूं हूं मृदु भाषा रुजू ने सरल मन सौम्या जीवन मा पामे सुख शाता गम्मे ते लिंग धारी हो
नपुंसक स्त्री हो या पुरुष, विषय विकार को दृष्टि थी, करूं नहीं मन वचन कुरु, करूं काव्यूं अनुमोद्यूं जगत गामी करम निंदे, हे दादा शक्ति आपो तो अमे सौ पापने निंदिये। कोई पण खाणी पीणी मां न डूबू ऐ करस लूभे, बधो खोरा कलं समरस छरस पोषक बनो तृप्ते, हो जीवताया तो मरणा दिन नजर सामे होया हो दुल, विरोधी गाढ़ निंदा थी न हो अपराध नां कुल, करूं काव्यूं अनुमोद्यूं जगत गामी करम निंदे, हे दादा शक्ति आपो तो अमे सौ पापने निंदिये। अमारो माल कड़ियोगी नथी कई जोश पुठिया मा, नथी बंगार मा बरकत करुणा छाटो लुख्यामा, त्रियंगी ऐक्य उपयोगे स्वपुर्णी भावना भावो, हे दादा शक्ति आपो ने परम उपकार आगावो, करूं काव्यूं जगत गामी करम नींदे, हे दादा शक्ति आपो तो अमे सौ पाप ने निंदिये, हे दादा शक्ति आपो तो अमे सौ पाप ने निंदिये, अमे सौ पाप ने निंदिये, अमे सौ भगवान से तो ऐसा मांगना चाहिए। आप्त पुरुष के बहुत ही निकट रहने वाले एक मुमुक्षु एक बार चारों ओर से आर्थिक संकट से घिर गए। अकेले हाथ बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इस समस्या को सुलझाने में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तब उन्हें विचार आया कि आज तक उन्होंने आप्त पुरुष से कुछ भी नहीं मांगा, मगर आज तो इस आर्थिक संकट से छुटकारा दिलवाने के लिए आप्त पुरुष से विनती करने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं रहा। अलबत्ता आप्त पुरुष तो सब कुछ जानते ही थे। उन्होंने इन भाई साहब के साथ तीर्थ की यात्रा का प्रोग्राम बनाया। शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करते करते आप्त पुरुष ने उन भाई साहब से पूछा, यहां दूर दूर से आने वाले भक्त वितराग परमात्मा से क्या क्या मांगते हैं? तब वे भाई साहब बोले, कुछ भक्त अपने बेटे के यहां बेटा हो ऐसा मांगते हैं, तो कुछ विद्यार्थी पास होने के आशीर्वाद, तो कोई मिल मालिक उनकी अपनी मीलें ठीक तरह से चले व उसमें प्रगति हो वगैरह सांसारिक चीजें मांगते हैं। तब आप्त पुरुष बोले कि तीर्थंकर भी राजा के बेटे थे, उनके पास
सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं थीं, लेकिन वे उन्हें बंधन रूप लगती थी, इसलिए सब सहज ही छूट गया और वे मोक्ष लक्ष्मी को पाने के लिए निकल पड़े और वितराग दशा को प्राप्त हुए। ऐसे वितरागी परमात्मा से भक्त संसार मांगते हैं, भक्तों को मांगना भी नहीं आता, विवेक चूक जाते हैं। उनसे तो ऐसा मांगना चाहिए कि एक बार प्राप्त होने के बाद दोबारा मांगना ही न पड़े। सनातन सुख की प्राप्ति हो सकती है, मगर हमारे भीतर अनेक प्रकार की कमजोरियां होने के कारण दुख के सागर में डूबे हुए रहते हैं हम। हमारी कमजोरियों को, वीकनेस को दूर करने के लिए यदि तमाम शास्त्रों के सार रूप नव कलमों की भावना द्वारा शक्ति मांगे तो हमारी कमजोरियां दूर हो सकती है और सनातन सुख की चाबी प्राप्त हो सकती है। यह सुनकर वे भाई साहब, जिन्होंने पहली बार आर्थिक विडंबना दूर करने की मांग का निश्चय किया था, वह बात उनके मन से सहज ही हट गई और उन्होंने अंतर्यामी आप्त पुरुष श्री दादा भगवान को वंदन करके क्षमा याचना की और संपूर्ण शास्त्रों के सार रूप नव कलमों का प्रसाद मांगा। ये नव कलमे यानी नौ भावनाएं इस प्रकार है। पहली, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, न पहुंचाई जाए एवं ठेस पहुंचाने का अनुमोदन समर्थन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, ऐसी स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन एवं स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति आप मुझे दें। दूसरी, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, न पहुंचाई जाए एवं ठेस पहुंचाने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। मुझसे किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचाई जाए, ऐसी स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन एवं स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति आप मुझे दें। तीसरी, हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी उपदेशक, साधु, साध्वी या आचार्य का अवर्णवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति आप मुझे दें। चौथी, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी अभाव, तिरस्कार कभी भी न किया जाए, न करवाया जाए एवं किसी कर्ता के प्रति ऐसा अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। पांचवी, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ कभी भी कठोर भाषा या तंतयुक्त भाषा न बोली जाए, न बुलवाई जाए एवं किसी को ऐसी भाषा बोलने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। कोई कठोर भाषा या तंतयुक्त भाषा बोले तो आप मुझे मृदु ऋजु भाषा बोलने की शक्ति दें। छठी, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री, पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो तो उसके साथ किंचित मात्र भी विषय विकार संबंधी दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार विषयक दोष न किए जाए, न करवाए जाए एवं किसी कर्ता को
ऐसा करने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। आप मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दें। सातवीं, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी रस में लुब्धता लोलुपता न की जाए, ऐसी शक्ति आप मुझे दें। समरस युक्त भोजन लिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। आठवीं, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा का, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, जीवंत हो या मृत, किसी का भी किंचित मात्र भी अवर्णवाद अपराध अविनय न किया जाए, न करवाया जाए, एवं किसी कर्ता को ऐसा करने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। नौवीं, हे दादा भगवान, आप मुझे जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की परम शक्ति दें, शक्ति दें, शक्ति दें। इतना हमें दादा भगवान से मांगना है। दादा भगवान अर्थात सभी जीव मात्र में शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र और तप के रूप में जो अनुभव में आते हैं वे, ये नव कल में हर रोज पठन करने की चीज नहीं है, बल्कि हृदय में धारण करने की चीज है। ये भावनाएं प्रतिदिन निरंतर उपयोग पूर्वक भावना करने की चीज है। इतना पाठ करने में समस्त शास्त्रों का सार आ जाता है। ये भावना करते समय बंद आंखों से एक एक शब्द दिखना चाहिए, आपका चित्त कहीं और भटकना नहीं चाहिए। ये नव कल में पूरे वितराग विज्ञान का सार है। इसमें प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान सब आ जाता है। मुझे ऐसा नहीं करना है और उसका मैं प्रायश्चित करता हूं, ऐसा कहने से उसी क्षण से हमारा अभिप्राय अलग हो जाता है, अतः हम मुक्त। यह मोक्ष मार्ग का रहस्य है। ये कल में बोलने से किसी के साथ वैर नहीं रहता, सभी से मैत्री हो ऐसे भाव बीज बोने हैं। जैसा प्रोजेक्शन करेंगे वैसा जीवन बन जाएगा। नव कलमों की भावना करने से वैसा ही हमारा वर्तन होता जाता है और एक दो अवतार में मोक्ष मिल जाता है। हाइलाइट्स, भगवान से तो ऐसा मांगना चाहिए कि एक बार प्राप्त होने के बाद दोबारा मांगना ही ना पड़े।